डियर गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है मीठे पकौड़े। हमेशा नमकीन ही खाया, तो अब मीठे भी खा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दही यहाँ पर मेरे पास है 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून और नमक 1 चुटकी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने स्ट्रेनर यानी छलनी में डाल देंगे और हम उसे छान लेंगे। तो ये मैं इसे छान रही हूँ। उसके बाद जो हमारी दही थी, हम उसे इसका पेस्ट बना लेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा नमकीन पकौड़े खा रहे होते हैं, आपने कभी ये नहीं खाए, तो आपको अगर आप ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ इसका। आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह की है। इसके लम्स ख़त्म करने के लिए मैंने इसे बीटर से मिक्स किया, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं ऐसी है। अब बस हम इसे ढकेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे। दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास चीनी है 1 कप, पानी आधा कप, यहाँ मैंने छोटी इलायची को पीस लिया है, आधा टीस्पून लिया है उसका, अब मैं शीरा बना रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दूंगी और इसे पकाऊंगी। अब हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। आपका शीरा जो है वो जब बॉईल होना शुरू होगा तभी हम अपना अगला काम करेंगे, यानी उसे डिप करेंगे। अब साथ साथ ये बॉईल हो रहा होगा और उसके साथ ही हम अपना काम करेंगे, यानी वो वहाँ पर अपना पक रहा है और यहाँ हम अपने पकौड़े बनाना शुरू कर देंगे। बस अब हम तेल में फ्राई करेंगे, जिस तरह आप नॉर्मल नमकीन पकौड़ों को करते हैं। साथ साथ अब अपने शीरे को भी हिलाते जाइएगा। अब हमने यहाँ पर इसको बहुत खूबसूरत सा जो है गोल्डन ब्राउन कलर देना है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और करेंगे, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए ज़रा। और जब ये पक गए तो दूसरी तरफ अब हमारा शीरा जो है वो बॉयल होना शुरू हुआ है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद हम इसे अपने शीरे में तकरीबन 10 सेकंड तक हम इसे छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा सा जो शीरा जो है वो ये अब्ज़ॉर्ब कर लें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा देर नहीं। बस मैंने इसको हल्का सा हिलाया इतना, और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने इसे निकाल लिया, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है।
ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और बस अब ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।